अथ एकादशो अध्याय। महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और ताम्र को भगवती के पास भेजना। व्यास उवाच। तस्य वचः श्रुत्वा महिषो मद्विह्वलः मन्त्रीवृद्धान् समाहूय राजा वचनमब्रवीत्। व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर मधुन्मत्त राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह वचन कहने लगा। राजोवाच। मन्त्रिणः किञ्च कर्तव्यं विश्राप्तं भृतमाचिरम् आगता देव विहिता मायेयं शंभरीव किं कार्येऽस्मिन् निपुणा योय मुपायेषु विचक्षणः सामादिषु च कर्तव्य कुत्र मह्यं ब्रुवन्तु च। राजा बोले, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही शांत तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांबरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है, अतः आप लोग मुझे यह बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रिणा उचु। सत्यं सदैव वक्तव्यं प्रियं च नृपसत्तम कार्यं हितकरं नूनं विचार्य विबुधः किल। मंत्रीगण बोले, हे निःश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। सत्यं च हितकृत् राजन् प्रियं च हितकृत् भवेत् यथोशतं नृणां लोके यप्रियं रोगनाशनम्। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन अहितकर होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकर होता है जैसे औषधि अरिचकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली होती है। सत्यस्य श्रोता मन्ता च दुर्लभः पृथ्वीपते वक्तापि दुर्लभः कामं वहवश्चाटुभाषकः। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है। सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। कथम प्रोमोत्र निपते विचारे गहने त्विह शुभम वाप्य शुभम वापि कोवेति भुवनत्रये। हे राजन, इस गुड़ विषय में हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं कि फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ तथा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजोवाच। स्वस्वामात्यनुसारेण भुवन्त्वाद्य पृथक् पृथक् येषां हि यादृशो भावस् तच्छ्रुत्वा चिन्तयाम्यहं बहुनामतमाज्ञाय विचारे च पुनः पुनः यक्षेयस्तधिकर्तव्यं कार्यं कार्यविचक्षणः। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें। जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर तथा फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। व्यास उवाच। तस्यैवं वचनं श्रुत्वा विरूपाक्षो महाबलः उवाच तरसा वाक्यं रंजयन् पृथ्वीपतिम्। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष उवाच। राजन् नारी वराकीयं सब्रूते मद्गर्विता विभीषिका मातृमिदं ज्ञातव्यं वचनं त्वया। विरूपाक्ष बोला, हे राजन, वह बेचारी स्त्री मदमत्त होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें।
को भी भेति स्त्रियों वाक्य दुरुपैरण दुर्मदह अनृतम साहसम चेति जानन नारी विचेष्टितम। यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है, भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोन्मादी कठोर वाक्यों से डरेगा। जित्वा त्रिभुवनम राजन् नद्यकान्ता भयेन वै दीनत्वेऽप्य यशो नूनं वीरस्य भुवने भवेत्। हे राजन, तीन लोगों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। तस्मात्याम्यहमेकाकी युद्धाय चण्डिकां प्रति हनिषिता महाराज निर्भयो भव साम्प्रतम्। अतः हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भयमुक्त हो जाएं। सेना वे तो हम गत्वाता शस्त्रास्त्र विविध किल निषूदयामि दुर्मशां चंडिकां चंड विक्रमां बध्वा सर्पमय पाशे नानयेष्ये तवंतिकम् वशगतु सदाशिराजन बलम मम। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांध कर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाए। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास उवाच। विरूपाक्ष वचः श्रोत्वा दुर्धरो वाक्यमब्रवीत् सत्यमुक्तं वचो राजन् विरूपाक्षेण धीमता ममापि वचनं श्लक्ष्णं श्रोतव्यं धीमता त्वया कामातुरेषा सुदति लक्ष्यते प्यनुमानतः भवेत्येवं विधा कामं नायिकारुपगर्भिता विषयित्वा वरारोह त्वां वशे कर्तुमेक्षति। व्यास जी बोले, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली यह स्त्री का मातुर है। अपने रूप के गर्व में झूठ इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका कर वश में करने का प्रयास करती है, वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमका कर अपने वश में करना चाहती है। वक्रोक्तिरेषा कामिन्या प्रियं प्रतिपरायणं वेति कोऽपि नरः कामं कामशास्त्रवेक्षक्षणः यदुक्तं नाम बाणैस्त्वं वधिष्येरणमूर्धनि हेतु गर्भमिदं वाक्यं ज्ञातव्यं हेतुवेत्तमः बाणास्तु मानिनीनां कटाक्षैव विश्रुतः पुष्पाञ्जलिमयाश्चान्ये व्यङ्ग्यानि वचनानि च काशक्तिरन्यबाणानां प्रेरणे त्वयि पार्थिव तद्ऋषीणां न सा शक्ति ब्रह्म विष्णुहरादिषु ययोक्तं नेत्रबाणैस्त्वं हनिष्ये मन्द पार्थिवम् विपरीतं परिज्ञातं तेनारसविदा किल। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है और रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है जिसे कामशास्त्र का विद्वान कोई बिरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मार डालूंगी, इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है जिसे रहस्यविद ही भलीभांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्ष ही कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलि में बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तो वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्य से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाण से भेद डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था। पातयिष्यामि
कर शिवी गाण यदुतम वचनम तया वीर्यम प्राण इति प्रोक्तम तद्विहीनम न चान्यथा। उसने प्रधान अमात से जो यह कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत पति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने जो यह बात कही थी कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो हे राजन, पुरुषों में वीर को ही प्राण कहा गया है, अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीरहीन कर देने से है, इसके लिए दूसरी बात नहीं है। रस ग्रंथ विचक्षण इति ज्ञात्वा महाराज कर्तव्यं रस संयुतं सामुदान त्वयं तस्य नान्योपायोस्ति भूपते भ्रष्टा वा गर्विता वापि वशगमानिनी भवे तादृशैर्मधुरैर्वाक्ये प्राणयिष्यतवान्तिकम् किंबाहुक्तेन मे राज कर्तव्यावशवर्तिनी गत्वा मायाधुनैवेयं किंकरीव सदैव ते। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्णन करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भली भांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम प्रिय वचन, दान प्रलोभन आदि यही दो उपाय उसे वश में करने के हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मद गर्वित कोई भी मान्य स्त्री इन उपायों से वशवर्तनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। व्यास उवाच। एतं निशम्य तद्वाक्यं ताम्रस्तत्व विचक्षणः उवाच वचनं राजन् निशामाय मयोदितं हेतु माधर्म सहितं रसयुक्तं नयान्वितम्। व्यास जी बोले, दुर्धर की यह बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई यह बात सुनिए जो तर्कयुक्त धर्म से ओतप्रोत रसमय तथा नीति से भरी हुई है। न शकामातु रामान मनुलता वेचक्षणा रंग्यानी नैव वाक्यानि तयोक्तानि तु मानद। हे मानद, यह बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है और न आप पर आसक्त है और न तो उसने व्यंगपूर्ण बातें ही कही है। चित्र मात्र महावाहु यदि कवर वर्णिनी निरालंबा समायाति चित्र रूपा मनोहरा अष्टादश भुजानारि न श्रुत्वा न च वीक्षिता केन पितृषु लोकेषु पराक्रमवति शुभा आयुधान्य पितावन्ति महाभाव। यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संबंध ऐसी पराक्रमशाली तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में न तो देखी गई और न तो सुनी ही गई। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं तो यह मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। स्वप्नानि दुर्निमित्तानि मया दृष्टानि वैनिषि तेन जान्याम्यहं नूनं वशसं समुपागतम्। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं, इससे मैं तो यह समझता हूँ कि अब निश्चित ही हमारा विनाश आ चुका है। कृष्णाम्बर धरानार रुदति च गृहांगणे दृष्टा स्वप्ने युषः काल चिंतितं व्यस्त दत्यः। मैंने आज ही उषा काल में यह स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण की एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। यह विनाशसूचक स्वप्न विचारणीय है। विकृताः पक्षिणो रात्रौ रुरुवन्ति गृहे गृहे उत्पाता विविधा राजन् प्रभुवन्ति गृहे गृहे तेन जानाम्यहं नूनं पर्णं किञ्चिदेव हि यत्त्वां प्रार्थयते बाला युद्धाय कृतनिश्चया।
हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृतसंकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। न शास्ति मानुषीणो गंधर्वेन तथा सुरी देवः कृते यम ज्ञातव्य माया मोहकरी विभो। हे राजन, यह न तो मानुषी न गांधर्वी और न आसुरी ही है, अभी तो इसे देवताओं की रची हुई मोहकारी माया समझना चाहिए। कातरत्वं न कर्तव्यं मम तन्मतमित्यलम् कर्तव्यं सर्वथा युद्धं यद्भाव्यं तद्भविष्यति कुवेद दैव कर्तव्यं शुभं वाप्य शुभं तथा अवलंब्य धिया धैर्यं सातव्यं वैविचक्षणः। अतः मेरा यह दिल मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वह होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। जीवितं मरणं पुंसं देवाधीनं नराधिपं कोऽपि नैवान्यथा कर्तुं समर्थो भुवनत्रये। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण देव के अधीन है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष होवाच। रचताम्र महाभाग युद्धाय कृत निश्चय तामानाय वरारोहम जित्वा धर्मेण मानिनी। महेश बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननी स्त्री को जीत कर यहाँ ले आओ। न भावे द्वश गानारि संग्राम यदि सात्व हन्तव्यान्यथा कामं माननीया प्रयत्नतः। यदि संग्राम में वस्त्री तुम्हारे अधीन न हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना है। वीरस्त्वमसि सर्वज्ञ काम शास्त्र विशारद येन केनाप्युपायेन जेतव्या वरवर्णिनी। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। परम वीर महाबाहु सैन्येन महतावृतः तत्र गत्वा त्वया गीत्वा विचार्य च पुनः पुनः किमर्थमागता चेयम् ज्ञातव्यं तद्कारणम् कामाद्वावैर्भावच्च माया कस्ययमेत्यतः। हे वीर, हे महाबाहु, विशाल सेना के साथ तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहाँ पहुँचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि यह किस लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात रखना कि वह काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और वह किसकी माया है। आदौ तन्निश्चयं कृत्वा ज्ञातव्यं तच्चिकीर्षितं पश्चाद्धृतं प्रकर्तव्यं यथायोग्यं यथाबलम्। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम यह पता करना कि वह क्या करना चाहती है, तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलता को भलीभांति समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। कातरत्वं न कर्तव्यं निर्दयत्वं तथा न च यादृशं हि मनस्तस्य कर्तव्यं तादृशं त्वया। तुम उसके समक्ष न तो कायरता प्रदर्शित करना और न बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना, उसकी जैसी मनोदशा देखना उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास उवाच। इति तद्भाषितं श्रुत्वा ताम्रः कालवशं गतः निर्गतः सैन्यसंयुक्तः प्रणम्य महिषं नृपं गच्छन् मार्गे दुरात्मासो शकुना वीक्ष्य दरुणान् विस्मयं च भयं प्राप यममार्ग प्रदर्शकान्। व्यास जी बोले, महिषासुर की यह बात सुनकर काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देख देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। सगत्वाताम समालोक्य देवीं सिंहो परिस्थिताम स्तुयमानाम सुरः संग
सर्वायुध विभूषितां तं वच विनीतः सन् वाक्यं मधुरया गिरा समभावं समाश्रित्य विनयावनितः स्थितः देवी दत्तेश्वरः श्रृङ्गि त्वद्रूपा गुणमोहितः स्नेहं करोति महिषत् त्वत्पाणि ग्रहणाय च। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार हैं। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित हैं तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर साम नीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से यह वचन कहा। हे देवी, दैत्य के अधिपति तथा विशाल सिंहों वाले राजा महिष आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। पतिं प्राप्य मृद्वंगी नंदने विहराद्भुते। विशाल नैनों तथा सुकुमार अंगों वाली है सुंदरी देवताओं के लिए भी अजय उस महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सर्वांग सुंदरम देहं प्राप्य सर्व सुखास्पदम सुखम सर्वात्मनाग्रायं दुखम इयमिति स्थितिः। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए, यही बात सर्वमान्य है। हे कर गुरु, आपने अपने हाथ में यह आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो गुरु पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य हैं। उचापे विद्यमाने पि धनुषा किं प्रयोजनम् कटाक्षा विशिखाः सन्ति किं बाणैर्निष्प्रयोजनैः। भाव रूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है, और जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ। संसारे दुख दम युद्धम न कर्तव्यम विजानता लोभासक्त प्रकुर्वन्ति संग्रामञ्च परस्परम्। इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पैरपि न योद्धव्यं किं पुनर्निशितः शरः भेदनं निजगात्राणां कस्य कज्जायते मुदे तस्मात् त्वामपि तन्वङ्गी प्रसादं कर्तुमर्हसि वर्तारं भज मे नाथं देवदानावपूजितम्। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या। अपने अंगों का छेद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। अतः हे तन्वंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार कर लें। सतेत्र वांछितं सर्वं करिष्यति मनोरथं त्वं पट महिषीराख्य सर्वथानात्र संशयः। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। वचनं कुरु मे देवि प्राप्स्यसे सुखमुत्तमम् संग्रामे जय संदेह कष्टं प्राप्य न संशयः। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। जानासि राजनीतिं त्वं यथावत् वर्णिनी पुंक्षु राज्य सुखं पूर्णं वर्षाणामयुतायुतम्। हे सुंदरी, आप राजनीति बड़ी भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। पुत्रस्त भविता कांत सुपि राजा भविष्यति यौवन क्रीडये त्वान्ते वार्धक्ये सुखमाप्यसि। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगे।
इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम पंचम स्कंधे ताम्रकृतम देवीम प्रति विसृंसन वचन वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः।